नमस्कार मित्रों, टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अंबरीश शुक्ल। अब क्या होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती पहुंची सुप्रीम कोर्ट। यह सूचना वैसे आपके कानों तक पहुंच चुकी होगी, यह बात आप तक गुजर चुकी होगी, लेकिन यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि मेरा वास्ता 69,000 शिक्षक भर्ती के तौर पर केवल एक अध्यापक का है। मैंने छात्रों को पढ़ाया था, जिसमें बीएड के भी छात्र थे, बीटीसी के भी छात्र थे और शिक्षा मित्र भी थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सीटें सबको बराबर मिले, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी के साथ ज़्यादा अन्याय हो, किसी के साथ ज़्यादा न्याय हो, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। बाकी इस भर्ती से मेरा कोई वास्ता नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची है और इसके पीछे का कारण क्या है, यह सब भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके पीछे का जो इतिहास है, आप जानते हैं कि कितनी बार ये कोर्ट जा चुकी है और कितनी बार ये खारिज हुआ। और इस बीच लखनऊ खंडपीठ और इलाहाबाद खंडपीठ दोनों ने कट ऑफ पर अपनी मुहर लगा दी है, जो कि 40-45 का कट ऑफ है। राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, विपक्ष के जो बीएड और बीटीसी पास अभ्यर्थी हैं वह भी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। इसी बीच वंदना सिंह के नाम से एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में कैवियट के तौर पर दर्ज कर दिया गया है। कैवियट क्या है, यह आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप सर्च करके देख सकते हैं। कैवियट का मतलब होता है, साधारण शब्दों में आपको समझाऊं कि आपको सुना जाना चाहिए तब कोई निर्णय आए। अर्थात जो पक्ष जीता रहता है, जो पक्ष विजयी है, वो पक्ष ही कैवियट डाल सकता है। ऐसा नहीं है, कैवियट कोई भी डाल सकता है, परंतु यहाँ पर कैवियट डालने का काम शिक्षा मित्रों ने किया है। वंदना सिंह जी के नाम से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट जारी कर दिया है और उस कैबिनेट में मुद्दा रखा गया है कि बीएड या बीटीसी या राज्य सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय अगर आप लें तो बिना हमको सुने हुए, हमारा पक्ष बिना सुने हुए निर्णय न दिया जाए। अर्थात एक तरफा निर्णय न हो, दोनों तरफ से बहस हो, इस चीज की तैयारी के लिए सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्र पहुंच चुके हैं। यहां पर लोग दूसरी खंडपीठ में जाने के लिए सोच रहे हैं और वहां पर शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट जाकर चुनौती दे दिए कि बहुत करोगे तो सुप्रीम कोर्ट तक ही आओगे, मैं सुप्रीम कोर्ट पहले ही पहुंच जाता हूं। हाई कोर्ट में पहले से ही पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी वो पहले से ही पहुंचे हैं। यह एक सोचने वाली बात है कि बीएड और बीटीसी वाले अभ्यर्थी कर क्या रहे हैं, अभी तक उन्होंने क्या किया। कुछ छात्र मेरे पास भी फोन किए, कहे सर आपको आगे आना चाहिए, तो मैं आगे नहीं आ सकता अध्यापक के तौर पर और ये सही भी नहीं होगा, ये आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग कहने लगे कि ये पैसा लेते हैं, अकाउंट नंबर मांगते हैं और लोगों से पैसा चंदा मांगते हैं और गटक जाते हैं। तो किसी ने भी मुझे एक रुपया नहीं दिया है मुकदमा लड़ने के लिए, ना मैं इन सारे कामों में पड़ता हूँ। बस मुझे दुख होता है, आह्लादित होता हूँ तो अपनी बात को रखने के लिए यूट्यूब के माध्यम से चलाता हूँ। ये आप सबकी लड़ाई है, आप लड़िए और जिसके साथ गलत होगा मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में आकर कुछ भी अभद्रता करिए, मुझे उसकी चिंता नहीं है, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। इसी से पहचान भी हो जाएगी कौन लोग उपद्रवी हैं, कौन लोग वास्तव में अध्यापक नहीं है, जिसके भाषा में गरिमा नहीं है, तो उनको बाहर भी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं हमेशा गलत के विपक्ष में खड़ा होता हूँ और जो सही है मैं उसके सपक्ष खड़ा हूँ। तो मित्रों आप लोग घबराइए नहीं और ना ही इससे बहुत खास फर्क पड़ने वाला है, ना ही ये मुद्दा कट ऑफ को लेकर है, इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत सबसे ज़्यादा जो आई है,
ये रिजल्ट और टंग गया। किसी ने भी मेरी बात को आगे नहीं बढ़ाया ना ही आवाज उठाई। मैं पीएनपी गया था, वहां पर खत लिख कर दे दिया हूं अपना एक पत्र। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र भेज दिया है कि शिक्षक भर्ती की बची हुई सीटें 68,500 की सीटें इसमें जोड़ी जाएं। यह सूचना मैं दे चुका हूं, आवेदन कर चुका हूं, अपनी व्यथा कह चुका हूं, आप लोग भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादातर लोगों तक शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो दुख और पीड़ा संतरास में दबे हुए हैं। कुछ मेरे भाइयों ने गलत कदम भी उठाए हैं, जिसके कारण भी मुझे वीडियोस बनाने पड़ते हैं कि आप लोग हारे नहीं, जीत होगी। लेकिन एक चीज़ तो तय हो गई कि अब ये जीत जल्दी नहीं मिलने वाली, मामला और टंगने वाला है। हो सकता है कि साल और 6 महीने तक ये बात टल सकती है, क्योंकि बात अब कोर्ट के पहले में जा चुकी है। अब निर्णय कोर्ट के हाथ में है और विपक्ष भी खूब तैयार है कोर्ट कोर्ट खेलने के लिए। और हम बीएड और बीटीसी वाले अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं, वो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं सरकार के इंतज़ार में। तो चलिए मित्रों, ये वीडियो आज इतना ही। साथ ही साथ DSSB की जो वैकेंसी आई है 30,000, उसके लिए भी अभी से आप लोग तैयारी चालू कर दें। और जो मित्र सीटेट नहीं पास हैं प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर का, वो कम से कम सीटेट की तैयारी कर लें। आप चाहें तो हमारे यहाँ भी तैयारी कर सकते हैं। 9628-95-9237 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, थंबनेल पे लिखा हुआ है, उस पर सीटेट लिख के मैसेज कर दीजिए, जिसके माध्यम से भी सीटेट की तैयारी आप कर सकते हैं। और कहीं से भी आप तैयारी कर लीजिए, लेकिन सीटेट की तैयारी कर लीजिए। 69,000 का रोना रोते हुए घर में वेब बैठे रहिए, तैयारी जारी रखिए, कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाएगी। केवल यूपी नहीं, भारत के 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बीएड और बीटीसी पास अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी। जो एक पक्ष है शिक्षा मित्र, उनको केवल और केवल नौकरी मिलेगी, भारांक के तौर पर अगर मिलेगी तो यूपी में मिलेगी, उसके बाहर उनको नौकरी नहीं मिलेगी भारांक के आधार पर। इसलिए मित्रों, आप सब सजग होइए, पहले एक नौकरी लीजिए। ये नौकरी मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, देर सवेर जब भी मिलेगी, मिलना तो है ही है, लेकिन इसके भरोसे केवल अपने भविष्य को बर्बाद मत करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।